आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सभी ने सुना होगा आरोग्य सेतु ऐप के बारे में, बट क्या आपको पता है कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने कौन कौन से ऐप लॉन्च किए हैं जो कि कोरोना वायरस की जंग में हमारी मदद कर रहे हैं? अगर आपको नहीं पता तो वीडियो पूरी एंड तक देखिए, क्योंकि इसमें आपको पता लगेगा कि इंडिया में कौन कौन से ऐसे ऐप हैं जो कि लॉन्च हुए हैं अपार्ट फ्रॉम आरोग्य सेतु। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो और कोई भी अपडेट मिस ना हो सके, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को इसके बारे में पता लगे। ठीक है, तो देखिए, मैंने आप मेंशन किया है कि दो नंबर पक्के कर लो। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि लॉकडाउन खुलने के बाद जो भी एग्ज़ाम्स होंगे उसमें एक नए क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा किसी ना किसी शिफ्ट के अंदर, चाहे वो SSC का एग्ज़ाम्स हो, चाहे वो बैंक का एग्ज़ाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला राज्य कौन सा है। ये है मध्य प्रदेश। देखिए, मध्य प्रदेश ने अपना ऐप लॉन्च किया है टॉप पेरेंट। इसका ये लोगो है और इसका जो स्क्रीनशॉट लिया मैंने ऐप का, वो आपके सामने ये रहा। टॉप पेरेंट इज़ अ ऐप ऑफ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। ऑलराइट, ओके। अरुणाचल प्रदेश कोविड केयर। देखिए, बहुत ही इजी नेम है, आप इसको याद कर सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश। आप इसको आंध्र प्रदेश से कन्फ्यूज़ मत करिएगा, आंध्र प्रदेश ने कोई ऐप लॉन्च नहीं किया जहाँ तक मुझे पता है। तो अरुणाचल प्रदेश का जो ऐप है वो है कोविड केयर। ठीक है, ये इसका स्क्रीनशॉट है ऐप का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर्नाटका गवर्नमेंट। देखिए, कर्नाटका गवर्नमेंट ने कोरोना वॉच, आप इसको घड़ी से याद कर सकते हैं कि एक घड़ी वाला ऐप है जो कि किसने लॉन्च किया था, कर्नाटका गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। ठीक है, कोरोना वॉच इज़ अ ऐप ऑफ कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट, और ये इसका स्क्रीनशॉट है, आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा ऐप लग रहा है देखने में। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए, आपको पता है कि कोरोना कवच एक ऐप आया था आरोग्य सेतु ऐप से पहले। अगर आपको पता है तो आप काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, आपको पता होगा, आप करंट अफेयर से जुड़े रहते हैं अगर आपको पता है इसके बारे में। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि कोरोना कवच जो ऐप है इसको अब एबोलिश कर दिया गया है, इसको अब डिलीट कर दिया गया है, अब इसका कोई भी वर्ज़न नहीं रहा। इसका जो नया वर्ज़न है वो है आरोग्य सेतु ऐप, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया था, MEIET। ठीक है, आपको इतना नहीं जानना, आप इतना याद रखिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐप लॉन्च किया था आरोग्य सेतु, उससे पहले उसका नाम क्या था, कोरोना कवच। ठीक है, जो कि अब यूज़ में नहीं है। ओके, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। देखिए, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने अपना जो ऐप लॉन्च किया है वो है रक्षा सर्व। ठीक है, सिंपल सा नाम रखिए, इसका सिंपल सा नाम है रक्षा सर्व। ये है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का, यहाँ के CM कौन है, भूपेश बघेल। ठीक है, ये देखिए मिज़ोरम। देखिए, मिज़ोरम का जो ऐप है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस को जो नाम है COVID-19, विच इज़ अ 2019, क्योंकि ये ऐप यहाँ से पहला केस आया था 2019 में वुहान में। ऐसा माना जाता है कि वो पहला जो केस था वो वुहान से आया था, बट अभी भी इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ये मैन मेड वायरस है या फिर ये एक नेचर से निकला हुआ वायरस है जो कि वुहान की वेट मार्केट से निकला है। ठीक है, अभी भी इस पर रिसर्च चल रही है, और अमेरिका ऐसा बोलता है कि चाइना अपनी चीज़ें छुपाता है, बट ऐसा हो भी सकता है क्योंकि चाइना में बहुत ही कम केसेस हमारे पास स्टैटिस्टिकली अवेलेबल हैं, और क्योंकि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, वहाँ के जो लीडर हैं, उन्हीं की चलती है, और वहाँ से खबरें बाहर आना वो बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन है। ठीक है, वहाँ के एक विसल ब्लोअर थे डॉक्टर, जिन्होंने इस ऐप के बारे में पहले बताया था, उनको भी कोरोना वायरस हो गया था, उनकी मृत्यु हो गई थी कुछ टाइम बाद। ठीक है, हालांकि उन्होंने एक वीडियो शूट किया था
और उससे लोगों को पता लगा था इसके बारे में कि एक वायरस लीक हुआ है, उनके मोबाइल की स्क्रीनशॉट जो थी वो लीक हो गई थी। उन्होंने डॉक्टर्स को बताया था कि ये ऐप है, सॉरी ये जो कोरोना वायरस है एक डिजीज़ है जो ये काफ़ी रैपिडली फैल रहा है और ये वुहान की फ़िश मार्केट से आया, और लोगों को वहीं से पता चला कि ये जो वायरस है वो वुहान की वेट मार्केट से आया है। फ़िश मार्केट नहीं, वेट मार्केट। यहाँ पे सारे जो सी फूड हैं और यहाँ पे जो भी एनिमल्स जो भी ये खाते हैं चाइनीज़, वहाँ से आया था। ठीक है, हालांकि अभी भी इस पे काफ़ी सारे साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि ये मैन मेड वायरस है जो कि एक लैब में बनाया गया था। खैर अभी क्या करें, हमें क्या करना है इससे, क्योंकि ये तो इतनी दुनिया में फैल चुका है कि लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं और अमेरिका में सबसे ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं, और न्यूयॉर्क इतना अच्छा शहर है जो कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा केसेस आ चुके हैं। न्यूयॉर्क के अंदर एपी सेंटर बन चुका है न्यूयॉर्क पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, तो आप इतना याद रखिए कि COVID-19 के आगे अगर आप M लगा देंगे तो ये मिज़ोरम का ऐप बन जाएगा। ठीक है, ये देखिए COVID-19, ये इसका स्क्रीनशॉट लिया मैंने। ओके, चलिए मिज़ोरम M COVID-19। झारखंड, देखिए झारखंड का जो ऐप है वो है प्रग्याम। ठीक है, आप इसको बोल सकते हैं प्रग्याम। ठीक है, प्रग्याम ऐप जो लॉन्च किया था वो था झारखंड गवर्नमेंट का, और ये जो यहाँ के जो CM है वो अभी अभी चुने गए हैं, उनका नाम है हेमंत सोरेन। ठीक है, हेमंत सोरेन इज़ अ न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। इससे पहले कौन था ये आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएंगे। पंजाब, देखिए पंजाब स्टेट गवर्नमेंट ने अपना एक ऐप लॉन्च किया है कोवा, COVA कोवा। देखिए यहाँ पे इसका मैंने लोगो और जो प्ले स्टोर का जो स्क्रीनशॉट है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, तो आप देख सकते हैं कोवा इज़ अ ऐप ऑफ झारखंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, चलिए नागालैंड, देखिए नागालैंड गवर्नमेंट ने जो अपना ऐप लॉन्च किया है उसका नाम है सेल्फ डिक्लेरेशन COVID-19। ठीक है, सेल्फ डिक्लेरेशन COVID-19, देखिए ये है इसका, आप इसको याद कर सकते हैं कि डिक्लेरेशन वाला जो फॉर्म होता है वो कहाँ भराया था, कहाँ भरवाते हैं, नागालैंड भरवाते हैं, नागालैंड में। ठीक है, हम एक भरते हैं ना डिक्लेरेशन की आई रिकग्नाइज दैट आई हैव डन दिस दिस एंड मैं इसका ज़िम्मेदार हूँ पूरी तरह। ठीक है, तो सेल्फ डिक्लेरेशन इज़ ऐप ऑफ नागालैंड गवर्नमेंट। ऑल राइट, ओके ओके। IIT बॉम्बे एंड महाराष्ट्र, देखिए मैंने यहाँ पे IIT बॉम्बे इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि ये महाराष्ट्र में पढ़ता है और टॉप लेवल का कॉलेज है BTech का। ठीक है, तो IIT बॉम्बे ने अपना ऐप लॉन्च किया है क्वारंटाइन। देखिए अगर आपसे ऑप्शन में बोल दे क्वारंटाइन, जो कि एक्चुअल में इसका नाम है क्वारंटाइन, इसका मतलब अपने आप को अलग कर लेना, अपने आप को अलग करवा देना किसी भी बीमारी में, किसी भी डिजीज़ में, और गवर्नमेंट हमें एक क्वारंटाइन जोन में रखती है जहाँ पे हम ये आउटब्रेक को फैलने से रोक सकें। ठीक है, तो अगर आपसे ऑप्शन में दे देगा कि क्वारंटाइन और क्वारंटाइन, और आपको कोई नहीं पता इसकी स्पेलिंग, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है क्वारंटाइन, COURANTINE क्वारंटाइन इज़ अ ऐप ऑफ IIT बॉम्बे विच इज़ लॉन्च बाय IIT बॉम्बे। इसका जो टैगलाइन है वो है स्टे सेफ फ्रॉम COVID-19। और साथ ही साथ आप देखेंगे महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो ऐप है वो है महाकवच। ठीक है, ये बहुत इजी है, आप इसको महा से भी याद कर सकते हैं, मगर अगर एग्जामिनर अगर चलाक होगा तो वो इसके सामने रखेगा महाकवच, महाविराम, ठीक है, महाकवच जो भी है, ताकि आप कन्फ्यूज़ हो। बट आपको याद रखना है कि महाकवच इज़ अ ऐप ऑफ महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट। देखिए इसका लोगो भी यहाँ पे महाकवच। ठीक है, चलिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जो अपना ऐप लॉन्च किया है उसका नाम है COVID-19 क्वारंटाइन मॉनिटर। ठीक है,
COVID-19 क्वारंटाइन मॉनिटर। देखिए, इसको तमिलनाडु गवर्नमेंट की स्टेट पुलिस ने लॉन्च किया है। आप देख सकते हैं इसके लोगों में। आप बस इतना याद रखिए कि क्वारंटाइन मॉनिटर जो था वो कौन से स्टेट के अंदर ऐप में था, ठीक है। COVID-19 तो यार बेसिक है, वो हर जगह लगा रहता है, बट क्वारंटाइन मॉनिटर ये आपको कन्फ्यूज़ कर देगा, ठीक है। अगर मैं एग्ज़ामिनर होऊंगा तो मैं आप कन्फ्यूज़ करने के लिए काफ़ी सारे वर्ड रखूँगा इसके सामने, कोरोना क्वारंटाइन मॉनिटर COVID-19, ताकि कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट हो। बट अगर आपको पूरा ऐप का नाम पता है तो आप इसको ईज़िली मार्क कर सकते हैं, COVID-19 क्वारंटाइन मॉनिटर, विच इज़ अ ऐप ऑफ तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नोएडा यूपी। देखिए, नोएडा एक काफ़ी अच्छा शहर है, आईटी सिटी है यूपी की, और यहाँ पे जो ऐप लॉन्च हुआ है उसका नाम है आपूर्ति सुविधा सेवा। आप इसको याद कर सकते हैं ASS, ठीक है, ASS। इसको नोएडा की अथॉरिटी ने लॉन्च किया है, आपूर्ति सुविधा सेवा। देखिए, काफ़ी सारे केसेस जो थे स्टार्टिंग में नोएडा में आए थे, बट वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनको बदल दिया गया है, और वहाँ के जो DM है उनका नाम है सुहास LY, जो कि किसी साउथ इंडिया कंट्री से स्टेट से बिलोंग करते हैं, वहाँ के कैडर से बिलोंग करते हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हैं अपने काम को लेकर। तो उनको इंटरिम जो पुराने DM थे उनको वहाँ से उनका तबादला हो गया, और जो नए DM हैं वो सुहास LY, जो कि तेज तर्रार DM माने जाते हैं, काम को काफ़ी अच्छी तरीके से करते हैं, उनको वहाँ पे लाया गया है, ठीक है। तो अभी सुनने में आया है कि वहाँ पे काफ़ी सारे केसेस जो हैं वो कंट्रोल में है, बट देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है, क्योंकि वहाँ काफ़ी ज़्यादा कॉलोनीज़ को और काफ़ी ज़्यादा सोसाइटीज़ को पूरी तरह सील कर दिया गया है, ठीक है। ओके, गोवा, टेस्ट योरसेल्फ, अपने आप की जांच करवाएं, ठीक है, टेस्ट योरसेल्फ गोवा। अभी सुनने में आया था कि गोवा में एक भी केसेस नहीं है, कुछ नॉन न्यू केस इन द गोवा, बट दो दिन पहले पता लगा कि यहाँ पे भी कुछ केसेस फिर से आ गए हैं, ठीक है। तो आप याद रखिए, गोवा, टेस्ट योरसेल्फ, और यहाँ पे काफ़ी सारे फॉरेनर्स जो हैं वो फंसे पड़े हैं, यहाँ पे खुल्लम खुल्ला घूम रहे हैं, बीचेस पे जाके रिलैक्स कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि कोई नहीं, कोरोना वायरस चल रहा है तो हम जाके नेचर का मज़ा लें, बट एक्चुअल में उनको पुलिस पकड़ रही है, उनको पनिश भी कर रही है, विच इज़ अ रॉन्ग कि आप अपने घर में रहिए, आप कहीं भी हैं, आप इंडिया में आए हैं, कोई बात नहीं, आप अपने घर में अपने होटल में रहिए और सेफ रहिए, ठीक है। देखिए, काफ़ी अच्छा सा लोगो है इसका, टेस्ट योरसेल्फ गोवा। ओके, केरला गवर्नमेंट ने जो अपना ऐप लॉन्च किया है वो है GOK डायरेक्ट। आप इसको JNK से लिंक मत करिएगा, JNK ने अपना कोई भी ऐप अभी तक ऑफिशियली लॉन्च नहीं किया स्टेट लेवल पे, ठीक है। हालांकि JNK अभी एक UT बन चुका है, जिसके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो है गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। आई थिंक मैं गलत नाम प्रोनाउंस कर रहा हूँ, बट आपको पता होगा गिरीश चंद मुर्मू नाम है उनका, ठीक है, ऐसे ही है कुछ, मुर्मू कुछ उनका नाम है, बट आप ऑप्शन से इजीली एलिमिनेट कर लेंगे। ये अभी लास्ट CGL में पूछा गया था, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ JNK, एंड हु इज़ द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख, हर नेम इज़ माथुर, आई ओनली रिमेंबर बाय हर सर नेम विच इज़ माथुर। ये एक फीमेल लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, जस्ट लाइक किरण बेदी, हु इज़ ऑल्सो अ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पौंडीचेरी, ठीक है। तो पौंडीचेरी की जो LG हैं वो हैं हमारी देश की पहली IPS ऑफिसर किरण बेदी, और आप सभी को पता ही होगा दिल्ली के जो हैं अनिल बैजल, और जम्मू कश्मीर के हैं गिरीश चंद मुर्मू, एंड वहाँ की जो लद्दाख की LG हैं उनका नाम है माथुर, मिस माथुर, ठीक है। चलिए, तो ये था इस वीडियो का लेक्चर, यहीं पे ख़त्म करते हैं हम, और आई होप आप सभी को काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा, और मैंने यहाँ पे सारे ऐप्स जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं वो सारे ऐप्स कवर करे हैं,
और अगर आने वाले ऐप में आने वाले टाइम में और ऐप अगर गवर्नमेंट और जो भी यूटीज़ हैं वो लॉन्च करेंगे तो मैं उसके लिए आपको एक वीडियो या फिर मैं उसे अपने स्टोरी में डलवा दूंगा ताकि आपसे इन्फॉर्मेशन मिस ना हो सके। तो देखिए जहाँ तक की बात है ये इसमें से एक ना क्वेश्चन ज़रूर फंसेगा और आप इस वीडियो को एग्ज़ाम में जाने से पहले एक दो दिन पहले ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपसे ये मिस ना हो सके। तो अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो और कोई भी अपडेट मिस ना हो सके, और इसे ज़रूर शेयर करिए ताकि इसके बारे में काफ़ी सारे लोगों को पता लगे कि हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने कौन कौन से ऐप लॉन्च किए हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।